जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव आगे आए हैं। कनखल के देवी योग मंदिर से स्वामी रामदेव ने राहत सामग्री से भरे दो ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर जोशीमठ के लिए रवाना किया। जोशीमठ में प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए पतंजलि योगपीठ की ओर से 2000 कंबल और राशन सामग्री भेजी गई है। राहत सामग्री रवाना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए लोगों की मदद के लिए पतंजलि योगपीठ तत्पर है। बुधवार को आचार्य बालकृष्ण जोशीमठ पहुंचकर राहत सामग्री लोगों में बांटेंगे। स्वामी रामदेव ने दूसरे एनजीओ और संस्थाओं से भी जोशीमठ के लोगों की सहायता के लिए आगे आने की बात की है। उनकी पूंजी, कमाई, घर, बिजनेस, परिवार, व्यापार और बच्चे सब बेघर से हो गए और ऐसे में मानवीय तौर पर और क्योंकि पतंजलि योगपीठ उत्तराखंड की एक बहुत ही संवेदनशील संस्था है और हमने लगभग 30 वर्षों से यह अपनी सेवा साधना की, तो आज यहाँ से हम 2000 कंबल और एक व्यक्ति की जीवन के लिए उसके नित्य निर्वहन के लिए जो नितांत आवश्यक सामग्री हैं, खाने पीने से लेकर के साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि, उन सब को हम भेज रहे हैं, जिससे कि लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने की जो तकलीफ़ें हैं उनको हम बांट सकें, उनको कम कर सकें। आपको बता दें कि चमोली जिले में चीन सीमा के सबसे करीबी नगर जोशीमठ के अस्तित्व पर भूधसाव ने संकट खड़ा कर दिया है। भवनों, दुकानों, सड़कों आदि में आ रही दरारों से हर किसी के रात दिन खौफ के साए में कट रहे हैं। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।